Cracking the IIT is any bright child's dream as it opens a window of opportunities for him or her in their choice of field with regards to information and technology. With high number of suicides being reported from Kota, the question that NNIS asked experts and students was that what is it that is achieved here and what is the routine of an average student in the IIT coaching factory, as it is called, an NNIS special. Every kid needs time to relax and wants time for recreation, but for those spending time in Kota, aiming high to make a career, life is all about scores, pointers, formulae and the dream of IIT and consequently their dream job. Some are even told by their parents that they either get through these exams with flying colors or forget about returning home. It is this pressure which is killing. On top of that, 18-hour schedules coupled with a brutal sorting system that segregates the average with no fee refunds is leading to children hallucinating, facing depression, and some even suffering severe health ailments. और फिर क्या होता है ऐसे बच्चों को जिनको डिप्रेशन होता है फिर उनको या तो इलाज नहीं होता या किसी दूसरी चीज़ से अल्कोहल से नशे से दबाने की कोशिश की जाती है वो करेला और नीम चढ़ा के बराबर हो जाता है तो उसको जो साधारण चीज़ें इसके लक्षण इतने साधारण होते हैं कि पहचान में नहीं आती जैसे स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगना कॉन्सनट्रेशन नहीं होना नींद नहीं आना हाथ पैरों में दर्द होना सिर में दर्द होना भूख नहीं लगना किसी तरह की इच्छा नहीं करना किसी से बातचीत करने को मन नहीं करना सुबह उठने को मन नहीं करना इतने साधारण लक्षण होते तो लोग पहचाने नहीं जाते समझ नहीं पाते कि किस वजह से यदि थोड़ा पहचान भी पाते हैं तो इधर उधर टॉनिक दिलाते हैं इस तरह की चीज़ें देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास हैं तो वैसे भी जाने से घबराते हैं कि सोशल स्टिग्मा होता है लोग क्या कहेंगे जो हमारे यहाँ अभी तक भी सोशल स्टिग्मा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये समझते हैं कि पागल हो गया है कोई पर ऐसा नहीं होता कि ये साधारण बीमारी तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं साधारण बीमारी डिप्रेशन की होती है वो सबसे बड़ा किलर होता है इसमें Psychologists like M.L. Agarwal have been regularly hearing students and have tried to counsel them in the best possible way. Many, according to him, come from joint families and unable to cope with the pressures of a city like Kota. It takes months of therapy at a rehabilitation center and the involvement of their families to restore them. Students like Yashraj feel that he's fortunate that his parents have not applied pressure on him. जो aspirants हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते और उन्होंने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए जो आए जो चाहे वो पढ़े आके उसमें 36% वाला बच्चा भी आ रहा है तो उसमें 92% वाला बच्चा भी आ रहा है जब सारी क्राउड एक साथ आ गई बेशक इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी लेकिन वो पूरी क्राउड जब एक साथ आ गई तो एक तो उनको टीचिंग क्वालिटी में फ़र्क आया है लर्निंग प्रोसेस में बदलाव आया है भीड़ हो गई है एक एक क्लासरूम में 100-150 बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो वो कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं ये एक्सेस करना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए आसान नहीं रह गया है और उनका मोटिव उन्होंने अपनी फ़ीस और इतनी क्राउड तो बढ़ाई उन्होंने अपनी फ़ीस और डबल कर दी तो ये उसका असर पेरेंट्स पे पड़ रहा है प्रेशर पैसे का जब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उस बच्चे पर भी असर आ रहा है लेकिन बस वो ऐसे रहता है कि अपन क्लास में रूम क्या थे कैसे हो गया यहाँ पे इतने कम परसेंटेज आते हैं वो परसेंटेज इसलिए आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो कितना टफ है कितने बच्चे बैठे हैं इस एग्ज़ाम के लिए हर कोई पास थोड़ी हो जाएगा इसमें तो फिर बस वो प्रेशर फील करता है कि अपन क्लास में 10 CGPA वाले बच्चे थे यहाँ पे तो 20% भी नहीं आते और 15% भी नहीं आते बस ये प्रेशर रहता है फिर घर वाले बोलते हैं कि तुम क्या थे और क्या हो गए वहाँ पे कुछ मस्ती कर रहे हो क्या कर रहे हो यहाँ पे लेकिन अब उन्हें कौन बताया कि वो खुद को कि इतना टफ एग्ज़ाम में कैसे बैठ होगा नहीं पेरेंट्स तो मेरे कभी ऐसे दबाव भी नहीं दिया ना देना भी नहीं चाहिए ऐसे सोसाइट्स की जो पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स को ना कभी ऐसे मेरे पेरेंट्स कभी बोले हैं कि हाँ कि नहीं तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे ऐसे नहीं आ रहे वैसे ऐसे मार्क्स की बात है तो मार्क्स में अच्छे आते हैं लेकिन तभी भी मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते मेरे को और दबाव भी नहीं देना चाहिए ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे जो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए या मेरिट में नाम नहीं आया तो उनको क्या लगता है कि क्यों मतलब इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए क्या कहेंगे उनको डिप्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि एक वो ये तो नहीं सोचना चाहिए कि सबसे पहले केवल मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग उनके पास केवल फील्ड बचा है For those living in Kota though, this is nothing new. These breakdowns are all too common in a city that reinvented itself in the late 90s as the coaching hub for the hyper-competitive engineering and medical school exams. Roughly 1.6 lakh teenagers from various states flock to Kota's coaching institutes every year
paying between 50,000 rupees and a lakh for annual tuition. NNIS learns that there are some centers which enroll middle school students as well as who start early. In a few institutes, they are taught by IIT alumni who claim salaries of 1.5 to 2 crores for their expertise. Neither centers nor hostels have exit policies or refunds. For students who borrow money to come to Kota, the stakes are even higher. बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, आप कॉन्फिडेंस लेको, जिंदगी की उन कठिनाई और कहानियों को सुनो जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी निकलते निकलते जीवन में बड़े आदमी बने। मैं सोचता हूँ कि उस मोटिवेशन ही उनको एक ताकत और शक्ति देगा, और वह किताब भी हो सकती है और सार्वजनिक से मोटिवेशन भी हो सकता है। दोनों पहलुओं पर विचार विमर्श चल रहा है और इसको आप कोशिश करेंगे इसको और लागू करें। तो आप घबराए नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे माता पिता हमको डांटेंगे या हम झिझक रहे हैं, हम किससे बात करें, अपने सीनियर से बात करें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट लें। आप देखिए उसका एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगले टेस्ट में जहां आपने 100 में से 3 लिए थे, आप देखेंगे कि 100 में से 30 के ऊपर आप आ जाएंगे। फिर अगले टेस्ट में आप हमारा गाइडेंस और लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के पढ़िए, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए, आप देखेंगे कि अगले टेस्ट में 100 में से आप 60 पे आ गए। तो ऐसे उदाहरण हैं, मुझे तो आज देखिए 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे 49% 46% के बच्चे जिन्होंने कि आईआईटी और मेडिकल को क्रैक किया है। 52 नंबर एक बच्चे के आए थे राजस्थान बोर्ड आरबीएससी में, उस बच्चे ने आईआईटी टॉप किया, डूंगरा राम चौधरी आपके सामने उदाहरण है, जो एक गरीब बच्चा जो गांव ढाणियों से जोधपुर से आया, उसने सफलता का परचम लहराया। तो उदाहरण है हमारे पास ऐसे। तो बच्चों को, माता पिता को भी नहीं घबराना चाहिए कि ठीक है भाई बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो कंसल्ट करें, है ना, ऐसे चुप रहने से नहीं होगा, आप आके हमसे बातचीत करें, उससे सॉल्यूशन निकलेगा। Around the world, student debt is caused by high rates of physical and emotional exhaustion, a sense of being depersonalized, and a shrunken sense of personal achievement. Kota students largely suffer from the fear of letting down one's family or not having any career alternatives. According to the Kota police data, 72 students have committed suicide in the past 5 years. Kota developed into a coaching hub in the late 80s and over the years acquired a reputation of having a high success rate. The town has about 40 big coaching centers with a thriving 2000 crore industry.